अपने लोगों ने घींच के उसको फैलाया, वायरल किया। आप मीडिया को आज दोषी मान रहे हैं, आप अपने लोगों को सोशल मीडिया जो जिसको हम सोशल मीडिया हम कहते हैं उसका काम हुआ है, हम उसके तो आप ही के लोग उसमें शामिल हैं, उनपर कार्रवाई करेंगे। हम नहीं जानते हैं कौन सर, एक सवाल ले लीजिए सर। आज आपने ब्राह्मण दलित एकता महाभोज का आयोजन किया है, लेकिन इसमें चुप रहा है यार, स्वयं ब्राह्मण है, इस एरिया में भी ब्राह्मण बड़ा कठिन है, यहाँ जहाँ खुद परस्त खिला रहे थे यहाँ भी दलित थे और ब्राह्मण थे, लेकिन लाइन में तो सर अलग अलग देखा गया दोनों का, एक लाइन में बैठे थे। बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री जीतन राम मांझी का ब्राह्मण दलित भोज, यह भोज का आयोजन किया गया था जब मांझी ने पुजारियों पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके सिलसिले में यह भोज एक कल्मिनेशन आज हुआ है, बट इस भोज के लिए कंडीशन अप्लाई था, और कंडीशन क्या था यह भी जानना जरूरी है। कंडीशन था केवल वही ब्राह्मण इस भोज के लिए आ सकते हैं जिन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो या फिर चोरी डकैती में शामिल न रहा। शर्त के बाद कुछ ब्राह्मण मांझी के घर पहुंचे हैं, हंगामे के बीच ये ब्राह्मण दलित भोज हुआ है। बिना लहसुन प्याज के सब्जी बनी, बनाया कौन है बाद में बताऊंगा, पानी किस तरह का था, किस तरह खाया गया, और इसमें जनेऊ लीला क्या हुआ यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए मांझी साहब के घर के ब्राह्मण दलित भोज की कुछ झलकियां, ये लीजिए। ब्राह्मण और दलित एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, कितना मैसेज सही जाएगा? ऐसा है कि ब्राह्मण का लाइन अलग है, आप देख लीजिए कि ब्राह्मण का लाइन अलग है, दलित का लाइन अलग है। हाँ, दलित का जैसे लाइन अलग है, देख लीजिए। ये तो ब्राह्मण और दलित एकता महाभोज के पास नहीं, तो ठीक है, दलित और ब्राह्मण का भोज सही में है। दलित और ब्राह्मण को एक साथ बैठना क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। राम जी सेवरी का बैर जैसे जूठा खाए थे, सेवरी क्या थी, दलित थी, तो भगवान राम अगर खा लिए जबकि जूठा बैर, तो हम लोग को खाने में क्या हर्जा है? जैसे एकता भोज रखा गया है तो लाइन अलग अलग क्यों है दलित और ब्राह्मण का? तो नहीं, ऐसा है कि ब्राह्मण लोग अपना सोच लिए कि हम लोग का लाइन अलग रहे, हम लोग का लाइन अलग रहे, लेकिन माने के लिए धरती तो सब एक ही है, भोजन तो एक ही साथ हो रहा है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, सब मानव एक होता है। मतलब दलित सब एक है, मानव में कोई अंतर नहीं है, हम लोग खाली भेदभाव को अथी करें, इसलिए भेदभाव को दूर। क्या दलित और ब्राह्मण एक है? देखिए एक तो नहीं है, कहीं बोल रहे मानव एक है तो दलित ब्राह्मण एक, मानव यानी सुनिए मानव एक है, वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य है, लेकिन रह गया क्या, कर्म प्रधान है, विश्व का राखा जस कर रहे जस फल चाखा, कर्म के अनुसार यहाँ जो दलित और जो ब्राह्मण बनाए गए हैं। क्या नाम बताओ? मेरा नाम है श्री राम प्रसाद गोस्वामी। चलिए, आपने बहुत कुछ देख लिया है, उसमें गोस्वामी साहब जो कि सेकंड ग्रेड ब्राह्मण है उनका भी इंटरव्यू है, उसकी भी व्याख्या करेंगे, लेकिन चलिए बहुत ही सबकी नजर थी, हमारी भी नजर थी, और
ये भोज का आयोजन हुआ है। लेकिन आज दिन में एक घोषणा हुई है कि शाम 6 बजे, मेरी नजर है लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कि 51 ब्राह्मण सामूहिक रूप से 6 बजे बगला मुखी जाप करेंगे। ये कौन सा जाप है पता नहीं, लेकिन करेंगे। विजय राघव मंदिर के पंडित संजय कुमार तिवारी ने बताया है, ये भास्कर, दैनिक भास्कर ने खबर छापा है, कि बगुला मुखी का जाप इसलिए कराया जाएगा ताकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कि मांझी जी को किसने अधिकार दिया कि कौन ब्राह्मण मांस मछली खाएगा कौन नहीं, यह तय करें। हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, चाहे तो ऐसा 1,00,000 ब्राह्मण जुटा देंगे। आगे कहते हैं कि जो भी ब्राह्मण जाएगा जीतन राम मांझी के घर पे खाना खाने, जो कुकुर होगा वही मांझी के यहां जाएगा। इसमें कह रहे हैं यह काफी पहले से चला आ रहा है कि मांझी के यहां ब्राह्मण खाना खाने नहीं जाएंगे, जो परंपरा शुरू से बनी हुई है वही चलेगी, ये मामला है। तो आज जो ब्राह्मण गए थे, तिवारी जी बताइए, आप कहिए कि आप कुकुर हैं, इसका मतलब कि वो 2M दर्जे के ब्राह्मण थे। अब आइए, जो शर्त उन्होंने लगाया था उसकी वजह से कम लोग उसमें पहुंचे हैं, और शर्त मांझी साहब का जो है इसको अपमान समझते हुए कई ब्राह्मण संगठनों ने इस भोज का बहिष्कार किया, बावजूद इससे कुछ ब्राह्मण पहुंचे। मिथिला के ब्राह्मण वहां नहीं पहुंचे हैं, मिथिला वैसे भी शाकाहारी ब्राह्मण वहां शायद ही रहते हो, मछली सब लोग जरूर खाते हैं। पटना के इर्द गिर्द आसपास के ब्राह्मण पहुंचे थे, और उसमें भी आपने जो वीडियो देखा है वो स्वामी साहब, उनके बारे में बताऊंगा। और ब्राह्मण दलित एकता भोज में हंगामा भी हुआ है कि सरकारी आवास पर पहुंचे कुछ लोगों ने मांझी के बयान के विरोध में हंगामा किया, इसके बाद मांझी समर्थकों ने उन्हें खदेड़ कर बाहर किया। आवास परिसर के बाहर भी मांझी समर्थकों के साथ विरोध कर रहे लोगों की झड़प हुई है, ये खबर आ रही है। इसके बाद कुछ लोगों ने मीडिया के सामने बयान दिया कि मांझी समर्थकों ने भोज में बुलाकर अपमान किया है, उन्हें धक्के देकर बाहर निकाला गया है। अब आइए भोज पर आते हैं। मांझी साहब, वीडियो आपने देखा है, ट्रक में बिस्लेरी वॉटर आ रहा है, और खाने में क्या है, खाने में चूड़ा दही गुड़ और सब्जी। चूड़ा दही बाहर से आया, सब गुड़ भी बाहर से आया है, सब्जी बना है, लहसुन प्याज उसमें नहीं डाला गया था। लेकिन एक अच्छी बात है कि सब्जी जो है मांझी साहब के अपने निजी रसोइये ने बनाई है, वो भी मांझी है, तो ये अच्छी बात है। तो मांझी जी ने ब्लेंड कर दिया है, दलित कुक के द्वारा ब्राह्मण खाना बिना लहसुन प्याज वाला। लेकिन जो आप बिस्लेरी पिला रहे थे और टेबल गोल गोल भी लगाए हुए थे, उसके जगह भाई अपने परंपरागत तरीके से लोटा में पानी लेकर आते, जग में पानी लेकर आते, घर के गिलास में अपना टूटी फूटी गिलास में पानी पिलाते, और सब एक ब्राह्मण बैठता एक दलित बैठता, उस हिसाब से बात बनती तो थोड़ा और शानदार बात होता। अब आइए गोस्वामी जी पर आते हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी को जनेऊ लीला कहते हैं, सब कहते हैं राम जी ने बेर खाया, जूठन बेर खाया, मानव माने, कब तक ये कथा सुनाओगे पंडित जी, राम जी ने बेर खाया। आपने कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण का अलग पंगत है, दलित का अलग पंगत है, फिर कह रहे हैं कि मानव मानक एक समान, फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मण और दलित अलग अलग है, यह जनेऊ लीला इसी को कहते हैं। इतना आपको राउंड राउंड घुमा देगा, कंफ्यूज कर देगा कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे नहीं। वह जितने ब्राह्मण गए थे मैं देख रहा था, सबका चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था, वो शर्त पूरा करते हैं कि नहीं, मांझी साहब ने जो शर्त रखा था पूरा करते हैं कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन एक नैतिक दबाव है, उनका फोटो खींच के रख लिया जाना चाहिए। और इसे बैठे बैठे गोस्वामी साहब ने झूठ बोल दिया 2 बार कि ब्राह्मण दलित एक है फिर अलग अलग है, ये तो झूठ ही था। उनका फोटो जो है खींच के रख लिया जाए, किसी व्यभिचार में फंसेंगे तब पता लगेगा। वैसे माही जी ने बहुत कठिन शर्त रखा था, वैसे ब्राह्मण मिलने बहुत मुश्किल है, रेयर ही मिलेंगे। और तो
इसके साथ साथ कि जो गोस्वामी ब्राह्मण है बिहार में, आप खेला समझिए, गोस्वामी ब्राह्मण होते हैं वो ओबीसी में आते हैं, वो निम्न कोटि के ब्राह्मण समझे जाते हैं। जो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं ऐसे ब्राह्मणों के यहां खाना खाने नहीं जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों के यहां कंटाहा कैटेगरी में भी आते हैं कि जो श्राद्ध वगैरह में खाने के लिए जो बुलाया जाता है, तो वैसे कैटेगरी के ब्राह्मण भी आकर जब जिनके यहां उच्च जाति के ब्राह्मण नहीं खाना खाने जाते हैं वो भी दलितों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे खाना खा रहे हैं, कर है मेरा पंगत अलग। तो माझी जी, आपका यह पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रहा। ब्राह्मण कह रहा है कि जमीन एक ही है, खाना एक ही है, राम जी ने बेड़ जूठे कहा लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं साथ नहीं बैठूंगा, मैं अगल बगल में बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। राम जी का कथा सुनाए जा रहे हैं, मानव मानव एक है, धरती एक जगह है, तो धरती एक जगह है बाबा गोस्वामी जी, तो जाके धर्म संसद में जो साधु लोग जो जहर उगल रहे हैं उसको भी बोलो कि धरती एक ही है, हिंदू मुसलमान सब एक है। ये चलिए, ये माझी साहब की लीला दलित ब्राह्मण भोज पुराण समाप्त हुआ। फिर देखते हैं अगला स्टेटमेंट माझी जी का क्या होता है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। आपसे फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। कई साथी लिख रहे हैं कि ज्वाइन कैसे करें, सब्सक्रिप्शन के नीचे ज्वाइन लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं, स्वैच्छिक है कि अम्बेडकर नामा ज्वाइन करना है तो जाइए सब्सक्रिप्शन के पास, ज्वाइन बटन दबाइए, वो आपके सारे विकल्प बता देगा। शुक्रिया, जय हिंद, फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में।